आप हैं विविध भारती के संग जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्पोर्ट्स पेवेलियन। भारत ने चीन को 5-4 से हराकर एशिया कप महिला हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया है। जापान के कागमेगाहारा शहर में खेले गए इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पेनाल्टी शूटआउट के जरिए जीत दर्ज की। एशिया कप में भारत की ये दूसरी जीत है। इससे पहले साल 2004 में भारत ने एशिया कप महिला हॉकी का खिताब जीता था। पिछली बार के चैंपियन जापान को सेमीफाइनल में हराकर भारतीय हॉकी टीम फाइनल में पहुंची थी। भारत की महिला निशानेबाज हीना सिद्धू ने मंगलवार को ब्रिस्बेन में जारी राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। ये हीना का पिछले 2 सप्ताह में सेकेंड गोल्ड है। उन्होंने हाल ही में अपने देश में खेले गए ISSF विश्व कप फाइनल्स में मिश्रित टीम स्पर्धा में जीतू राय के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दीपक कुमार ने कांस्य पदक जीता था। हीना ने पूरे दिन शानदार खेल दिखाया और क्वालिफिकेशन के 386 के कुल स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने फाइनल में 240.8 का स्कोर हासिल किया और गोल्ड जीता। रजत पदक पर ऑस्ट्रेलिया की एलना गाइल गोविच रही, जिन्होंने 238.2 का स्कोर किया और क्रिस्टी गिलमैन को कांस्य पदक मिला। उनका स्कोर था 213.2। फोर्थ डायमेंशन, नया आयाम। पेरिस समझौते के 2 साल बाद अब सबकी निगाहें जर्मनी के बॉन पर टिकी हैं। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये जर्मनी में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में क्या होने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। ये सम्मेलन 6 से 17 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 197 देशों से करीब 25,000 लोग बॉन में मौजूद होंगे। इनमें मंत्री, पर्यावरण विशेषज्ञ, कार्यकर्ता और सेलिब्रिटी शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एल गोर, हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी वहां मौजूद होंगे और भारत से जैकलीन फर्नांडिस होंगी। जलवायु सम्मेलन की मेजबानी आमतौर पर अध्यक्ष देश करता है। इस बार किसी एशियाई देश को चुना जाना था। फिजी को अध्यक्षता देने का फैसला इसलिए किया गया ताकि दुनिया का ध्यान जलवायु परिवर्तन के बुरे असर की ओर लाया जा सके, लेकिन फिजी जैसे छोटे देश में इस स्तर पर कॉन्फ्रेंस कराना मुश्किल है। इसी वजह से जर्मनी ने मेजबानी करने की पेशकश की। जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFCCC का सचिवालय भी बॉन में ही स्थित है। इससे पहले 2001 में यहां जलवायु सम्मेलन हो चुका है और COP1 भी 1995 में बॉन में ही आयोजित हुआ था। उस समय एंजेला मर्केल जर्मनी की पर्यावरण मंत्री थीं। पेरिस समझौते के 2 साल हो चुके हैं। हर साल दुनिया भर के देश किसी एक समझौते पर पहुंचने के इरादे से सम्मेलन में मिलते हैं। दिसंबर 2015 में आखिरकार पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में समझौता हुआ और इसे अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया। अब तक 169 देश इससे जुड़ चुके हैं। देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनाई, लेकिन इस मकसद को कैसे हासिल किया जाएगा, नए नियमों को अमल में कैसे लाया जाएगा, इस पर चर्चा होना अभी बाकी है। पेरिस संधि का लक्ष्य है कि औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में इस शताब्दी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इसे 1.5 डिग्री किया जा सके तो और भी अच्छा है, क्योंकि तब दुनिया को कई तरह की त्रासदियों से बचाया जा सकेगा। ध्रुवों की बर्फ को पिघलने से रोका जा सकेगा, बाढ़ और सूखे के खतरे टल जाएंगे और फिजी जैसे देश जो अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं उन्हें भी बचाया जा सकेगा। लेकिन अब तक जिस लिहाज से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि धरती का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। ऐसे में पेरिस सम्मेलन के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। साल 2017 सबसे गर्म 3 वर्षों में शामिल रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट जर्मनी के बॉन शहर में
हो रहे करीब 200 देशों के जलवायु सम्मेलन को दिशा देने का काम करेगी। यूएन के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि शीर्ष 3 सबसे गर्म वर्षों में 2017 का शामिल होना तय है। संगठन ने 2017 में तापमान 2016 के रिकॉर्ड से थोड़ा कम और 2015 के स्तर के करीब रहने का अनुमान लगाया है। एल नीनो प्रभाव के बिना 2017 रिकॉर्ड सबसे ज्यादा गर्म होगा, जबकि 2015 और 2016 में एल नीनो के चलते वैश्विक तापमान बढ़ा था। डब्ल्यूएमओ के महासचिव पेटेरी तालास ने 2017 में जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के विनाशकारी होने की तरफ इशारा किया। यूएन जलवायु परिवर्तन सचिवालय के प्रमुख पेट्रिशिया स्पिनोसा ने कहा कि इसके चलते लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और पृथ्वी के जीवन के लिए खतरा बढ़ गया है। G.G गैजेट ज्ञान। साल 1971 को दुनिया का पहला ईमेल भेजा गया था। इस ईमेल को भेजने वाले इंजीनियर का नाम था रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन एक कंप्यूटर इंजीनियर थे जिन्हें इंटरनेट के शुरुआती दौर में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। पहला ईमेल जो भेजा गया था उसमें कोई अच्छी जानकारी नहीं थी। वो केवल टेस्टिंग के लिए भेजा गया था और उसमें जो मैसेज भेजा गया था वो हमारे इंग्लिश कीबोर्ड की सबसे ऊपर की लाइन यानी QWERTYUIO और P था। पर्सनल कंप्यूटर के चलन में आने के बाद साल 1991 के बाद तेजी से इंटरनेट को लोगों ने अपनाया है और साल 2000 के बाद तो इसने लोगों के कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया और इसी दौर में ईमेल ने लोगों की जिंदगी में खास जगह बनाई है। ईमेल के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो पारंपरिक डाक का डिजिटल रूप है और इसके जरिए हम एक दूसरे को डिजिटल तौर पर मैसेज भेज सकते हैं या कोई मीडिया फाइल भी भेज सकते हैं। तकनीकी दुनिया में कई लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, शॉपिंग और ईमेल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इसके बावजूद कुछ यूजर अपनी निजी जानकारी को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं कोई जासूस उनके जीमेल अकाउंट और ट्रांजैक्शन को हैक न कर ले। इस समस्या से बचने के लिए HTTPS तकनीक से लैस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर बार HTTPS को जांचना संभव नहीं है। ऐसे में आप एक एक्सटेंशन से मदद ले सकते हैं। HTTPS एवरीवेयर एक एक्सटेंशन है जो आप मुफ्त में अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउजर कोई सा भी हो, यानी क्रोमियम हो, फायरफॉक्स हो या ओपेरा मिनी हो, इन तीनों को ये सपोर्ट करता है और खास तकनीक से इस एक्सटेंशन को बनाया गया है। डेस्कटॉप और लैपटॉप से सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर को अपने ब्राउजर को खोलना पड़ेगा, उसके बाद उसके URL बॉक्स में www.eff.org/https-everywhere टाइप करें और एंटर बटन दबा दें। इसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी उसमें चार तरह के विकल्प मिलेंगे, उनमें से किसी एक को आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउजर के साथ इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आप ब्राउजर के URL के पास एक चिन्ह देखेंगे। इस पर क्लिक करके आप उस एक्सटेंशन का मेन्यू खोल सकते हैं। यूं तो ये एक्सटेंशन पहले से ही कई वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, मगर आप ऑल HTTPS रिक्वेस्ट को ऑन कर सकते हैं जिससे गैर HTTPS वेबसाइट बंद हो जाएंगी और इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन सेफ रहेंगे। कहां से डाउनलोड करना है बता दें, www.eff.org/https-everywhere। इंडियन रेलवे ने IRCTC से टिकट बुक कराने की लिमिट बढ़ा दी है। अब IRCTC से एक महीने में 12 टिकट बुक किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इससे अपना आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा। ये नियम 26 अक्टूबर से लागू हो गया है। यात्रियों द्वारा IRCTC से ऑनलाइन पोर्टल से आधार कार्ड लिंक कराने के लिए रेलवे ने एक नया तरीका निकाला है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि बिना आधार कार्ड लिंक किए यूजर एक महीने में 6 टिकट बुक करा सकते हैं। अगर 6 से ज्यादा टिकट बुक कराने हैं तो आधार कार्ड से अपने IRCTC अकाउंट को लिंक करना होगा। इसके लिए यूजर को अपने IRCTC अकाउंट में जाना होगा। इसके बाद माय प्रोफाइल में जाकर अपडेट आधार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को IRCTC पर डालना है। इस तरह से आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा और इसके बाद आप एक महीने में 12 रेलवे टिकट भी बुक करा सकते हैं। फिटनेस मंत्रा।
शोधकर्ताओं ने 111 देशों में मौजूद 7.17 लाख मोबाइल फोन्स को ट्रैक करते हुए लोगों के चलने फिरने का डेटा एकत्रित किया और एक स्टडी की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे आलसी देश ढूंढ लिया है। एक स्टडी के मुताबिक हांगकांग जहां दुनिया का सबसे एक्टिव देश है, वहीं इंडोनेशिया सबसे आलसी देश है। हांगकांग के लोग हर रोज औसतन 6,880 कदम चलते हैं, वहीं इंडोनेशिया के लोग महज 3,513 कदम ही चलते हैं। शोधकर्ताओं ने 111 देशों में मौजूद 7.17 लाख मोबाइल फोन्स को ट्रैक करते हुए लोगों के चलने फिरने का डेटा एकत्र किया और यह स्टडी की है। इसके अनुसार दूसरे देशों के मुकाबले में ब्रिटेन के लोग जहां काफी एक्टिव नजर आए, यहां लोग रोजाना औसतन 5,444 कदम चलते हैं, जो कि 5 किलोमीटर के बराबर है। टीम ने इसके माध्यम से मोटापे से निपटने के लिए मदद उपलब्ध करवाई है, क्योंकि इस डेटा से ये पता चलता है कि जिन देशों में लोग ज्यादा चलते हैं वहां मोटापे में कमी दिखी। वैज्ञानिकों ने लोगों के स्मार्टफोन्स की मदद से 68 मिलियन दिनों जितना डेटा प्राप्त किया है और पाया कि लोग औसतन 4,961 कदम चलते हैं। हालांकि मोटापे और लोगों द्वारा चले जाने के बीच कोई ठोस लिंक नहीं मिली। अगर हम भारत की बात करें तो डेटा में भारत वाले ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। इसके अनुसार भारत के लोग 4,297 कदम रोज चलते हैं। इसके मुकाबले चीन और जापान के लोग ज्यादा एक्टिव नजर आए, जबकि ब्राजील और अरब देशों के लोग भारत जितने एक्टिव नजर आए। टाइम मशीन, समय यात्री। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अब अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2017 की तारीख निश्चित की है। जो लोग अपने बैंक खाते को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे, उनके खाते को टेम्परेरीली बंद कर दिया जाएगा और आधार मिलने के बाद ही उसे वापस ओपन किया जाएगा। इसलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपने बैंक खाते से आधार को जोड़ा जा सकता है। ऑनलाइन तरीका यह है कि आपको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपडेट आधार कार्ड का विकल्प देखिए। सामान्य तौर पर यह सबसे ऊपर होता है, वहीं कुछ बैंक इसे आधार कार्ड सीडिंग के नाम से भी उपलब्ध कराते हैं। अपना बैंक इन दोनों में से जो विकल्प आपको दे रहा है उस पर क्लिक करें और आधार नंबर के डिटेल दर्ज करा दें, सबमिट बटन दबा दें, आधार नंबर सबमिट हो जाएगा। आधार नंबर लिंक होने के बाद आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक मैसेज देख सकते हैं, जिससे आपको पुष्टि हो जाएगी। एसएमएस के जरिए भी रजिस्टर कराया जा सकता है। इसके लिए आपको यूआईडी स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर लिखकर बैंक को एसएमएस कर देना है। एसएमएस के लिए बैंक एक विशेष कोड देते हैं। इस कोड की जानकारी आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बैंक की ओर से बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और एसएमएस को भेज दें। बैंक आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और आपको वापस एक एसएमएस भेजेगा और कंफर्म कर देगा कि खाता आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। इसके अलावा आप आधार को एटीएम से लिंक करने के लिए मशीन का उपयोग कर सकते हैं। बैंक के एटीएम में जाकर आधार लिंक किया जा सकता है। इसके लिए एटीएम कार्ड मशीन में डालते ही आपसे पिन नंबर की मांग की जाएगी। जो मेन्यू सामने आएगा उसमें सर्विस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आधार रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, बचत या चालू खाते के विकल्प में से एक को चुने, आधार नंबर भरे। इसके बाद एक बार फिर आधार नंबर भरे, बस बैंक खाता आधार से लिंक हो जाएगा। जानी मानी लेखिका कृष्णा सोबती को इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें 1996 में अकादमी के उच्चतम सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। इसके अलावा कृष्णा सोबती को पद्मभूषण, व्यास सम्मान और शलाका सम्मान भी दिया जा चुका है। कृष्णा सोबती के कालजयी उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रो मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, हम हशमत, बादलों के घेरे वगैरह, बुद्ध का कमंडल लद्दाख और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें हैं। 18 फरवरी 1924 को गुजरात में जन्मी कृष्णा सोबती अपने साहसपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। 1950 में कहानी लामा से उनकी साहित्य की यात्रा शुरू हुई थी। आपको बता दें कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले रचनाकार थे।
कृष्णा सोबती ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाली हिंदी की 11वीं रचनाकार हैं। इससे पहले 10 हिंदी लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसमें पंत दिनकर, अज्ञेय और महादेवी वर्मा शामिल हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।